हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मेरे सभी सम्माननीय दोस्तों को। सुनीता शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं सुनीता शर्मा प्लांट लवर का चैनल और उसमें देख रहे हैं बोगनवेलिया के फ्लावर्स। फ्रेंड्स, आप इसको हो सकता है कि पेपर फ्लावर कहते हों। जी हाँ, ये देखिए, ये इस कलर के मेरे पास में हैं। वाइट कलर के मेरे पास में नहीं है, अदरवाइज़ ये वाइट कलर में बिल्कुल पेपर होने का एहसास कराते, यानी इतने सुंदर लगते हैं, लगता है कि पेपर ही है। बहुत पहले मेरे पास में हुआ करती थी ये, जैसे ये पिंक है, इसके साथ में वाइट कलर के फ्लावर भी आते थे जी। लेकिन अभी मेरे पास में ये 3-4 वेराइटी बच गई हैं। वो बहुत लंबी थी, क्लाइंबर थी, एकदम 30 फीट तक उसकी हाइट चली गई थी, इसलिए उसको काफ़ी स्पेस घेरती थी, इसलिए उसको हटवा दिया। जी दोस्तों, आज हम जो बोगनवेलिया की बात कर रहे हैं वो बहुत ही हार्डी प्लांट है। इतना हार्डी 80 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर के ये 40 डिग्री फॉरेनहाइट तक आराम से चलता है। किसी जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी अच्छी ब्लूमिंग इस पौधे के ऊपर होती है जी। ये बारहमासी एक तरह से झाड़ी कह सकते हैं, झाड़ीनुमा होता है, और इसकी हाइट जो है 15 से लेकर के 20 फीट तक लंबा ये चला जाता है। अगर आपने इसे एक बार घर में लगा दिया है तो बस ये सालों साल आपके घर में रहेगा। पूरे मौसम में बहुत अच्छी तरह से ब्लूम करता है। जहाँ कुछ पौधे सीजनल होते हैं, सीजन के साथ आते हैं और सीजन के साथ चले जाते हैं, अपनी रंगत छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन बोगनवेलिया एक इस प्रकार का पौधा है जो कि हमेशा हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है जी। दोस्तों, कई प्रकार का ये होता है। ये देखिए, ये गुच्छेदार है जी, पूरे बंच के अंदर फ्लावरिंग होती है इसके अंदर, और कई जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं कि उसके अंदर थोड़े खिले खिले होते हैं। इसके अंदर जितने भी ये जो शाखाएं होती हैं, शाखाओं के टॉप के ऊपर लगते हैं ये इस तरह से। ये देखिए, ये ड्रेसिना है, बीच में आ गई है, आ क्या गई, वीडियो शूट करते टाइम आ गई जी। हाँ, हर चीज़ की अपनी वैल्यू है। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं। चलिए, इसकी खूबसूरती का तो हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं। कुछ पौधे अपनी खूबसूरती के कारण जाने जाते हैं तो कुछ फ्लावरिंग के कारण जाने जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बोगनवेलिया की, और बोगनवेलिया के बहुत सी वेराइटी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हमारे पास में ये 3-4 तरह की ही हैं। इस तरह से बस ये सन लविंग प्लांट है। आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतना ज़्यादा ये ब्लूम करता है। फुल सन के अंदर आप इसको लगाइए। अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो पॉट इस जगह पर, ऐसी जगह पर रखिए जहाँ की फुल सन हो, और अगर आप ज़मीन में लगाने जा रहे हैं तब आप, तब तो कोई चॉइस ही नहीं है, यही है कि हाँ आपको लगाना ही इसको ऐसी जगह पर है जहाँ की पूरी धूप आए जी। और झाड़ी की तरह होता है ये, बहुत अच्छा चलता है। गमले के अंदर लेकिन लगाते हैं तो हाँ, इसको रिपोर्ट करना कई बार ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज ये कहा जाए कि सर्वाइव नहीं कर पाता, हो सकता है कि आपके गमले को भी तोड़ कर दे। तो इस तरह से इसकी रूट प्रूमिंग करनी ज़रूरी है, नहीं तो इसकी हाइट बढ़ती रहेगी, और रूट प्रूमिंग से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा लगता है जी, येलो कलर का, बिल्कुल टर्मरिक कलर है, बहुत ही सुंदर सा लगता है। और गुलाबी, बैंगनी, लाल, पीले, सफ़ेद, बहुत से रंगों के अंदर ये मिल जाएगा आपको। और मूल रूप से फ्रेंड्स, ये जो है दक्षिणी अमेरिका का पौधा है। चलिए ये भी बात बता देते हैं कि ये दक्षिणी अमेरिका का पौधा है, और बस इसको थोड़ा इस तरह का क्लाइमेट पसंद है कि जिसके अंदर थोड़ी सी गर्मी रहे। इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और बस ये है कि ठंड के अंदर ये ब्लूम नहीं करता, फूल नहीं देता। ठंड के अंदर ये बिल्कुल थोड़ा सा रूखा सूखा हो जाता है, और पत्तियाँ भी जब आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो केवल पत्तियाँ रह जाती हैं, और इस तरह से फ्लावरिंग नहीं कर पाता, बस केवल इतना ही चेंज आता है, बाकी सर्दियों में भी बराबर से बना रहता है। बहुत ही तेज़ी से फैलता है,
हाँ बहुत ही तेज़ी से फैलता है, कई फीट ऊंचा चला जाता है। अगर आप चीज़ की कटिंग वगैरह करके इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो बहुत ऊंचाई तक ये चला जाता है। तो इसकी देखभाल की जो बात है वो यही है कि इसको ज़्यादा कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इतना ध्यान रखें कि इसकी बीच बीच में कटाई छटाई करते रहें, नहीं तो ये जो है ज़्यादा फैलता जाएगा फैलता जाएगा। और ज़्यादा पानी नहीं डालें, एक ये भी बात का ध्यान रखें कि भाई ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा कि लीव्स ज़्यादा आएंगी और फ्लावरिंग कम होगी। हाँ इसको जो है एक तरह ये कहा जाए कि ये डेजर्ट का पसंद करने वाला पौधा है। इसकी मिट्टी जो है इस तरह की बनाई जाए जैसे कि डेजर्ट के प्लांट की होती है। तो आप जो मिट्टी बनाएं उसके अंदर कम से कम आधी जी 50% जो बजरी डाल दें यानी रिवर्स सैंड डाल दें, और जो है 1/4 कंपोस्ट और 1/4 जो है गार्डन सोइल डाल करके इसका जो है सोइल मीडिया बनाएं। अदरवाइज रूट बाउंड की प्रॉब्लम हो सकती है। पानी इसको कम से कम दें, इसको पानी तभी दें जब इसकी ऊपर की परत सूख जाए। ज़्यादा पानी देंगे तो बस बताया जैसा कि हाँ केवल पत्ते पत्ते ज़्यादा आएंगे और फ्लावरिंग कम होगी। वैसे इस प्लांट को हम कटिंग से भी लगा सकते हैं, कटिंग से लगाना भी बहुत ही आसान है और स्प्रिंग के अंदर जो है ये आसानी से इसकी कटिंग लगाई जा सकती है और आराम से इसकी कटिंग चल भी जाती है। हाँ कटिंग लगाते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कटिंग हमारी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत ही मोटी भी नहीं होनी चाहिए। कटिंग एक पेंसिल की मोटाई की हो तो इसे आसानी से लगाया जा सकता है फ्रेंड्स से। तो मैं सोचती हूँ कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपने इस पौधे को नहीं लगाया है तो लगाइए। टेरेस पर लगाने के लिए मैं इस पौधे को एक आइडियल प्लांट मानती हूँ, क्योंकि टेरेस पर हमारी सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है और ऊपर छत पर लगी हुई ये फ्लावर बहुत ही एक सुंदर सा व्यू क्रिएट करते हैं, बहुत ही सुंदर पॉजिटिविटी लगती है। और इससे कोई दूसरे बच्चे का या किसी भी पेट वगैरह के उलझने का या नुकसान पहुंचने का भी डर नहीं रहता है, और फुल सन मिलने के कारण बहुत ही अच्छा ब्लूम करता है। तो फ्रेंड्स मैं सोचती हूँ वीडियो आई होगी पसंद, और पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए, और साथ ही यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों जी। तो अभी बारिश के मौसम में भी इसकी कटिंग मैंने भी 2-3 लगाई थी लेकिन एक ही लग पाई मेरी, बाकी जो है थोड़ी सी गल गई शायद ज़्यादा बरसात होने के कारण। तो दोस्तों इसको कटिंग से भी आराम से लगाया जा सकता है, बस लगाते टाइम आप ये ध्यान रखिए कि पोट जो भी लें वो बड़े से बड़ा लें। हाँ बढ़ा लीजिए, हर 1 साल 2 साल के बाद में आप उसको जो है रिपोर्ट कीजिए। तो ये बातें ध्यान रखेंगे तो आपकी बोगनवेलिया बहुत ही अच्छी ब्लूम करेगी, और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको वैसे ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी अच्छी फ्लावरिंग के लिए बीच बीच में आप काऊ डंग डालते रहिए जी। हर 1 महीने में अगर आप काऊ डंग डालेंगे तो बहुत अच्छा इसके लिए फर्टिलाइज़र का काम करेगा और अच्छी ब्लूम करेगी। तो दोस्तों दीजिए अब इजाज़त, जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।